पूरे प्रदेश समेत राजधानी लखनऊ में भी डेंगू का संक्रमण बढ़ता जा रहा है। मौजूदा आंकड़ों के मुताबिक अब तक 550 से अधिक मरीज लखनऊ में पाए गए हैं, वहीं एक ग्रसित व्यक्ति की मौत हो गई है। अगर बात की जाए लखनऊ के तो सबसे प्रभावित क्षेत्र की तो फैजुल्लागंज की गणेश विहार कॉलोनी में अब तक सबसे ज्यादा अधिक डेंगू से संक्रमित लोग पाए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने बढ़ते डेंगू के प्रकोप पर नियंत्रण कसने के तमाम दावे किए थे, लेकिन जगह जगह हुए जल भराव को देखते हुए जब लाइव टुडे की टीम ने ग्राउंड जीरो पर जाकर लोगों से बात की तो स्थानीय निवासियों ने बताया कि फैलते संक्रमण से बचाव के लिए अब तक किसी भी तरह की सुविधा या मच्छरों से बचने के लिए दवाओं का छिड़काव नहीं किया गया है। मैं डॉक्टर सुनील कनौजिया हूँ। मैं पीडियाट्रिक सर्जन हूँ। मैंने अपना पढ़ाई MBBS MS उसके बाद MCH किया है पीडियाट्रिक सर्जरी में। मैं शिशु शल्य चिकित्सक हूँ। सर, ये जो बीमारी जो फैल रही है डेंगू की, तो इस तरह का आपका हॉस्पिटल है क्या? जैसे कितने तादाद में मरीज आते हैं, यहाँ के क्या हाल है? कोरोना के सर्ज के बाद सबसे बड़ी समस्या सरकार को जो है सामने खड़ी हुई है वो है डेंगू। इस समय डेंगू के मरीज अचानक ही बहुत ही ज़्यादा तादाद में बढ़ते हुए मिल रहे हैं। असली में इसका कारण है कि ये जो बरसात के जस्ट बाद जो समय आता है जिसमें टेम्परेचर 25 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड होती है, इसमें मच्छरों के ब्रीडिंग करने का सबसे उत्तम समय होता है। और डेंगू के फैलने का सबसे जो मुख्य कारण है वो एडीज मच्छर होते हैं, जो कि इन्फेक्टेड इंडिविजुअल से उनको होता है इन्फेक्शन और वो दूसरे स्वस्थ लोगों को इन्फेक्ट करते हैं। तो हमारे अस्पताल में इस समय सबसे ज़्यादा जो मरीज आ रहे हैं वो डेंगू के ही हैं। सर, शहर में आज चिकनगुनिया के भी मामले सामने आ रहे हैं, तो ये कैसी बीमारी है और इससे कैसे बचा जा सकता है? डेंगू, चिकनगुनिया और जैसे हे फीवर, ये सब बीमारियाँ और दिमागी बुखार, ये सब बीमारियाँ लगभग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इनके पनपने का कारण भी लगभग एक ही होता है। इस वजह से ये सारी बीमारियाँ एक साथ ही चलती हैं। तो आप लोगों से क्या सुझाव देना चाहेंगे, किस तरह से इस बीमारी से बचा जाए और क्या किया जाए? हम लोगों से ये सुझाव देना चाहेंगे, जैसे कि हमारी सरकार भी समय समय पे गाइडलाइन जारी करती है कि अपने अगल बगल पानी को इकट्ठा न होने दें, क्योंकि इनके मच्छर के लार्वा जो हैं वो पानी में ही पनपते हैं और कहीं भी गंदगी न हो, और समय समय पे कीटनाशक का छिड़काव होता रहे और फॉगिंग होती रहे। आप अच्छे से बाहर निकलें तो फुल स्लीव्स पहन के निकलें और साथ में क्या कहते हैं घर में मॉस्किटो रिपेलेंट या मच्छरदानी का प्रयोग करें।